الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير خطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو بھائیو, اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کی تخلیق فرمائی اور اللہ نے ایک اصول اور دستور بھی بنا دیا کہ انسان اللہ کا بندہ یقیناً خطائیں کرے گا, اس سے بھول ہوگی اور معافی مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیا. اللہ رب العزت دنیا میں بے شمار ذرائع پیدا کیے کہ ان ذرائع کے ذریعہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ سکتے ہو, مغفرت طلب کر سکتے ہو. ان گنت بے شمار ذرائع ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا بہانہ تلاش کرتا ہے. کوئی ایسا بہانہ ملے میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں. اللہ رب العزت چونکہ سارے مخلوقات سے زیادہ اس اشرف المخلوقات سے محبت رکھتا ہے, یعنی انسان سے, یہ اشرف المخلوقات ہیں, سارے مخلوقات کے سردار اور استاد مربی, اللہ نے ان کے سر میں خلافت کا تاج رکھا کہ تم جس راستے پر چلو گے دنیا کی ہر ایک مخلوق تمہارے راستے پر چلے گی, تمہارے پیچھے چلے گی. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ
सिर्फ अशरफुल मखलूकात को सही रास्ते में लाने के लिए पैदा फरमाया। ये भी अल्लाह की अजीम नियमत है कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत, वहदानियत और इबादत करने का तरीका, सलीका इनके जरिया से बंदों तक पहुंचाया ताकि आने वाली नस्लें इसको याद करती रहें और अपने बड़ों के तर्ज अंदाज पर चलती रहें। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्ला वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों का तरीका, सालेहीन का तरीके के रास्ते में चल पड़ो, तब जाकर तुम फलाह और कामयाबी हासिल कर सकते हो। अल्लाह ने बहुत सारे चीजों को हमारे कामयाबी के लिए पैदा फरमाया, बनाया कि बंदा अगर उस चीज को इख्तियार करे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, गुनाह माफ फरमाते हैं। एक उन चीजों में से एक चीज ये है कि बंदा अपने गलती पर, गुनाह पर नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो गया, गाल में थप्पड़ खाना ये तौबा नहीं है। तौबे का मतलब अत्तौबतु नदमुन। बंदा अगर अपने गलती पर, गुनाह पर नादिम हो गया कि परवरदिगार मुझसे ये गुनाह सरजत हो गया, गलती हो गई, इकरार कर लिया और शर्मिंदगी इख्तियार कर ली, तो ये असल तौबा है। अल्लाह इस तौबे को कबूल करते। एक मशहूर वाकया अहादीस के अंदर आया, हजरत उमर फारूक का जमाना, रोब और दबदबे का, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना बहुत ज्यादा मोतबर जमाना गुजरा, बहुत सारे फुतुहात हुए, बातिल फिरका हजरत उमर फारूक के नाम से दब जाया करते थे, सर उठाने की कोशिश नहीं। मदीने के गलियों में जा रहे थे और सामने से एक आदमी को आता हुआ देखा, कम्बल लपेटे हुए, चादर अपने बदन में ढांप कर वो आ रहा है। देखा कि उतने दूर में वो आ रहा है जिस रास्ते में उमर फारूक जा रहे। अब उस आदमी की नजर पड़ी, अचानक देखा, सर उठाया, देखा कि उमर फारूक तशरीफ ला रहे हैं, पैर से जमीन खिसक गई, हवास बाख्ता हो गया, ताज्जुब हुआ, पसीना पसीना, कहा कि आमना सामना होगा, अगर वो मुझसे पूछ दिए हालात मेरे सिलसिले में तो मैं क्या जवाब दूंगा। हालांकि वो आदमी कोई नेक नहीं था, एक शराबी आदमी था। जैसा कि लोगों की आदत होती है, सुबह उठते ही वो पहले शराब खाने को जाते हैं, शराब में धुन, और उनको पता नहीं, कल ही का वाकया है, मैं घर जा रहा था, मोटरसाइकिल पीछे बैठा हुआ हूं और हमारे घर के सामने एक तालाब है और वहां ट्रेंडिंग है, जब हमारा मोटरसाइकिल गुजरा तो उधर से एक आदमी आ रहा था, हमको देखकर वो बाड़े के अंदर धमाक से गिरा। कहा मौलाना साहब जय जय कुछ नहीं, मैं उठ जाऊंगा। मैं देखा कि बिल्कुल शराब में धुत,
पैर लड़खड़ा रहा है और साइकिल को उठाने में भी देर लग रही है, हाथ पैर कांप रहा है। लोगों का यह हाल है कि किसी वक्त में नशे से खाली नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो उमर फारूक ने देखा कि भाई इतना घबराए क्यों, क्या परेशानी तुम्हें? कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं। कहा कि ऐसा तुम जा रहे हो जैसा कोई चोर डकैत कोई बगल में कोई चीज छुपा कर लेकर जा रहा है। ये और घबराया, इस बगल में एक शराब का बोतल भी था। कहा कि उमर फारूक को शायद पता चल गया अब तो मेरी खैरियत नहीं। और थर्राया घबराया तो उमर फारूक ने कहा जरा बदन से इस चादर को हटाओ, तुम क्या छुपा कर लेकर जा रहे हो? कहा कि हुजूर कुछ नहीं, एक दूध का बोतल लेकर जा रहा। उसके मुंह से दूध का बोतल निकल गया और दिल में सोचा कि परवरदिगार अगर तूने आज उमर फारूक के कोड़े से मुझे बचा लिया तो इस अमीरुल मोमिनीन के सामने मैं वादा करता हूं कभी भी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसका इतना कहना था, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह तो बहाना तलाश करता है, कोई बहाना मेरा बंदे का मिले मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। हदीस में आता है कि जमीन और आसमान से कोई बड़ा गुनाह लेकर आए और मेरे दरबार में एक मर्तबा सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह फरमाते हैं मिनटों में इतने बड़े गुनाह को माफ फरमा देंगे। इतने रहीम और करीम जात। उस शराबी के दुआ उस अल्फाज को अल्लाह कबूल कर लिए। उमर फारूक ने देखा कि वाकई बोतल है और दूध का लिया उसको, बिल्कुल दूध का रंग सफेद है और ऐसा लगता है कि अभी कोई ताजा दूध दूकर जिस तरह ताजा दूध इंसान दूता है उसमें गर्मी होती है और बोतल बिल्कुल गर्म है। खोलकर सूंघा तो दूध का खुशबू और मजा। कहा कि जा अगर दूध के बजाय इसमें शराब होता तो तेरी खैरियत नहीं। कहा कि हुजूर ठहरिए मैं आपसे सच कहना चाहता हूं। कहा क्या सच है? कहा या अमीरुल मोमिनीन हकीकत में ये शराब का बोतल मैं लेकर जा रहा था और मैंने दिल में सोचा क्या परवरदिगार अगर इस अमीर से अमीरुल मोमिनीन के हाथ से तूने मुझे बचा लिया तो इस अमीरुल मोमिनीन के सामने वादा करता हूं कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरे शराब को दूध में तब्दील कर दिया। आप गवाह रहिए आज से कभी मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अपने जमाने का बहुत मुकर्रब सहाबी होकर गुजरे बुजुर्ग भाइयों, जब इंसान अल्लाह के दरबार में किसी चीज पर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह को सब कुछ पसंद है लेकिन गुरूर और घमंड पसंद नहीं, तकब्बुर पसंद नहीं, इज्जो इंकसारी पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों मेरे दरबार में सब चीज मौजूद है लेकिन इज्जो इंकसारी मौजूद नहीं। अगर दुनिया में उस तोहफे को तुम लेकर आओगे, इज्जो इंकसारी लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत का आठों दरवाजा खोल दूंगा, आठों दरवाजा। या अय्यतुन नफ्सुल मुतमईना इर्जी इला रब्बी की राजियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मेरा बंदा जिस दरवाजा तेरा दिल चाहे चला जा, तेरे लिए जन्नत का आठों दरवाजा खुला है। बुजुर्ग भाइयों, मैं कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के मगफिरत के लिए, बंदों के गुनाहों को माफ करने के लिए, मुकद्दर में जन्नत लिखने के लिए दुनिया में बेशुमार जरिया अता फरमाए। उन जरियों को इख्तियार करना है। एक सबसे बड़ा जरिया बुजुर्ग भाइयों मां बाप की दुआ, इसातेजा की दुआ, पीर औलिया की दुआ,
और माँ बाप की दुआ तो औलाद के लिए ऐसा है, दुनिया की कोई ताकत आसमान में जाने से माँ बाप की दुआ को रोक नहीं सकती। किसी के अंदर मजाल हिम्मत नहीं, चाहे माँ बाप कितने ही ज्यादा जालिम और जाबिर हो, कितने ही ज्यादा जुल्म सितम करने वाले हो, लेकिन वो अपने दर्जे से खाली नहीं है। वो अपना फर्जियत भूल गए, लेकिन औलाद को तो अपना फर्जियत नहीं भूलना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मोतबर सहाबी, तालिबे इल्म के जमाने से लेकर आखिरी जमाने तक रसूल का साथ नहीं छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मोतबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे अबू हुरैरा से। इसलिए सियासत्ता की हदीसों में अगर किसी की सबसे ज्यादा रिवायत है तो अबू हुरैरा की रिवायत है। अबू हुरैरा सहाबी है, उनकी मां इस्लाम पर नहीं, बूढ़ी हो चुकी, जवानी से लेकर बुढ़ंती 80 साल की रिवायत में आता। अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब भी मैं दरबारे मुस्तफा में घर को जाता तो सबसे पहले मां मुझको मारती, कहती आ गया, अपने आबा अजदाद के दीन को बेचने वाला आ गए मेरे घर में, और मुस्तकिल एक डंडा उनके लिए मां ने रखा था, उसी डंडे से अबू हुरैरा की खबर लिया करती, मार खाती थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं मार खाता जाता था, मेरे आंख से आंसू निकलते थे, कभी 80 साल के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मां मुझे क्यों मार रही, मेरा कसूर क्या है। कुरान ने इजाजत नहीं दिया कि तुम अपने मां बाप को उफ तक कहो, दूसरा अल्फाज तो कहना दरकिनार, उफ तक भी नहीं कह सकते, इजाजत नहीं है। अल्लाह ने मां बाप के खुशी पर अपने रजा, अपने महबूब का रजा, जन्नत को मुनसिर कर दिया कि अगर तुम अपने वक्त के लिए कामिल हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, अगर तुम्हारे मां बाप में से कोई भी एक नाराज है, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू से तुम महरूम कर दिए जाओगे। शर्त अव्वल है मां और बाप की मोहब्बत और दुआएं। अबू हुरैरा ने कभी नहीं कहा, और दिल में सोचते रहे परवरदिगार मेरी मां बुढ़िया हो गई, क्या अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब नहीं करेगा। हर नमाज में अबू हुरैरा मां की हिदायत के लिए दुआ करते थे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराने की कोशिश करते थे, कभी मौका मिला नहीं। हदीस में आता है, असर का वक्त था, सहाबाए किराम का मजमा था, और रसूल करीम सहाबा से नसीहत फरमा रहे हैं, असर बाद मस्जिद नबवी मजलिस लगती थी, अबू हुरैरा सबसे पीछे बैठे हुए थे, रसूल करीम को देखा कि आज बहुत खुश हैं, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अबू हुरैरा सोचा कि आज मौका बहुत अच्छा है। हदीस में आता है, वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सर को फलांग कर नहीं, किनारे से आहिस्ता आहिस्ता रसूल करीम के दाहिने तरफ बगल में आ गए। रसूल करीम की निगाह पड़ी, कहा कि अबू हुरैरा क्या बात है, वहां से घसीटते घसीटते मेरे करीब आ गए। कहा कि या रसूल अल्लाह, बहुत जमाने से एक बात अर्ज करनी थी, कभी अर्ज करने का मौका नहीं मिला, अगर आप इजाजत दे तो बात कह दो। कहा कि अबू हुरैरा बोलो, क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर बात है। कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरी मां बगैर हिदायत के मर जाएगी, देखिए मेरे पीठ में मां के मारने का कितना निशान पड़ा है, काला धब्बा पड़ चुका है, 80 साल की हो गई, और जब भी मैं आपके दरबार से जाता हूं मेरी मां मुझे मारती हैं। मुझे यकीन है या रसूल अल्लाह, आप हाथ उठाकर दुआ फरमा दीजिए, आपकी दुआ आएगा नहीं जाएगी। अबू हुरैरा को यकीन है कि अल्लाह मेरी मां को हिदायत अता फरमाएंगे।
बुजुर्गों भाइयों, रसूल करीम फौरन हाथ उठाए और रसूल करीम का हाथ उठाना सारे सहाबाए किराम ने हाथ उठा दिया। रसूल की दुआ थी और सहाबाए किराम की आमीन थी। कितना कीमती दुआ, कितना कीमती आमीन। बुजुर्गों भाइयों, इसलिए कहा गया नमाज में जमात की क्यों अहमियत है, इसलिए कि जमात में लोगों के आमीन के साथ, इमाम के आमीन के साथ फरिश्तों का आमीन शामिल होता है। अगर जिसकी दुआ फरिश्तों के दुआ के साथ, जिसका आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल गया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो दुआ कभी रायगा नहीं होगी, अल्लाह कबूल फरमा लेगी। आज मुसलमान उसी जमात से महरूम, आने के लिए तैयार नहीं, फरिश्तों के साथ दुआ मांगने के लिए तैयार नहीं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, सहाबाए किराम की आमीन। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा यहदी उम्मे अबू हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत नसीब फरमा। तीन मरतबा जुमला किया, सारे सहाबाए किराम ने आमीन कहा। जब रसूल करीम ने चेहरा अपने